14 साल बाद औलाद पैदा होने की खुशी में फूले नहीं समा रहा था पिता। लापरवाह डॉक्टरों के चलते हुई नवजात शिशु की मौत। डॉक्टरों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। इस बार मामला महिला अस्पताल से जुड़ा है। यहां प्रसव पीड़ित महिला की डॉक्टरों ने डिलीवरी तो कर दी, लेकिन लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मौत हो गई। महिला का पति नवजात शिशु के शव को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां अपर जिलाधिकारी के सामने उसने पूरा मामला बताया। महिला के पति गुलाम नबी निवासी लालपुर बैरियर ने जिलाधिकारी को सौंपी शिकायती पत्र में कहा है, अस्पताल के महिला डॉक्टरों में उसकी पत्नी का पेट लापरवाही से कई बार दबाया, जिससे पैदा होने वाले नवजात शिशु की मौत हो गई। जिला महिला अस्पताल में महिला डॉक्टरों की लापरवाही का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की कार्यशैली को उजागर कर चुके हैं। फिलहाल अधिकारी अब मामले में जाँच की बात कह रहे। मामला यही सर, कि कल 8:30 बजे डिलीवरी केस था, तो मैंने एडमिट कराया था जिला अस्पताल में और मुझसे कहा था कि मतलब जो है आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी और दिक्कत घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो रात में उन्होंने दर्द के इंजेक्शन लगाए, रात में हल्का हल्का दर्द होता रहा, फिर सुबह एक टाइम पे और इंजेक्शन लगाए, तेज़ दर्द हुआ। फिर उसके बाद में फिर सुबह 8 बजे हमने वो 6 बजे के टाइम पे लगभग हमने पूछा, तो हमने उनसे कहा, हमने कही मतलब बच्चा ठीक है, तो बोले बच्चा भी ठीक है और वो भी बच्चा भी ठीक है, दोनों लोग ठीक हैं और बच्चा 1-2 घंटे में टाइम लेगा, हो जाएगा वो। फिर उसके बाद में उन्होंने 9-10 बजे के टाइम पे लगभग कहा कि बच्चा आपका फंस गया है और जो है बच्चा अब आप लिख के दीजिए कि बच्चा आपका कल्ली मर गया था। ये किसने बताया? ये आप वहाँ की डॉक्टर ने जो कहा कि जो नर्स वहाँ पे बैठी थी उन्होंने भी यही कहा था, और जो डॉक्टर लेके गई थी अंदर हमको दिखाने के लिए वो भी यही कह रही थी। ये सर रात में जो ड्यूटी पे थे उनकी भी लापरवाही है और जो दिन में थे उनकी भी लापरवाही है। यहाँ डीएम साहब के यहाँ आए हैं अपने फरियाद लेके, सर हमको न्याय चाहिए। अभी एक नवजात शिशु को लेकर एक व्यक्ति आया था, वो आरोप लगा रहा था, क्या मामला है? एक काशीधाम कॉलोनी का व्यक्ति था, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उसने कल 8:30 बजे अपनी पत्नी को एडमिट कराया जिला चिकित्सालय में। उसका ये कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी बच्चे की मृत्यु हो गई। अब क्या सच्चाई है ये तो जाँच का विषय है, अब जब जांच होगी तभी पता चलेगा। वो व्यक्ति बहुत दुखी था, बता रहा था कि 14 साल बाद उसका बच्चा ये हुआ था, तब क्या सच्चाई है इसकी जांच का ही विषय है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही